नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में। यहाँ पर हम नेशनल और इंटरनेशनल दोनों पढ़ने वाले हैं। एग्जाम गुरुजी में आपका स्वागत है, मैं हूँ नीलेश। और आज के करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं, पिछले दिनों हमने क्या पढ़ा उसके रिविजन के साथ। सबसे पहले मध्य प्रदेश में किस योजना में आर्थिक और शैक्षणिक सहयोग देकर अनाथ बच्चों को समाज में पुनर्स्थापित किया जाएगा, मतलब उनका सहयोग किया जाएगा सरकार के द्वारा। जो भी बच्चे अनाथ हैं, जिनके माता पिता नहीं है, या जो COVID-19 में जिन्होंने अपने पिता को खोया है, उनके लिए अलग अलग सरकार की योजनाएं चल रही हैं। लेकिन ये जो योजना है मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना, ये पूरी तरह से अनाथ बच्चों के लिए है। मध्य प्रदेश की सरकार का जो लक्ष्य है वो 550 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने का है। ये कब तक के लिए रखा गया है, ये लक्ष्य 2026 तक के लिए रखा गया है। देश में गधों के लिए यानी खच्चरों के लिए एक मेला लगता है मध्य प्रदेश के, वो किस जिले में लगता है, तो वह सतना के चित्रकूट में लगता है। हिंगोट मध्य प्रदेश के किस जिले में हर साल आयोजित किया जाता है। हिंगोट युद्ध होता है, ये एक तरह का खेल होता है, इसे युद्ध न माना जाए। ये इंदौर के गौतमपुरा में होता है। FSSI ने मध्य प्रदेश के किस स्टेशन को ईट राइट स्टेशन घोषित किया है, और वो स्टेशन रानी कमलापति भोपाल स्टेशन। आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खबरों में क्या था। तो टाइगर ट्रंप किन दो दोस्तों के बीच होने वाले द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास है, तो भारत और अमेरिका के बीच में है। भारत की पहली माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है मुंबई में। पहले ब्रिटिश एशियाई प्रधानमंत्री ऋषि सुनक किस पार्टी से संबंधित है, ये कंजर्वेटिव पार्टी से संबंधित है, ये राइट विंग पार्टी है। हाल ही में भारत ने गूगल पर 1337 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना किसके द्वारा लगाया गया है, तो यह जुर्माना लगाया गया है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा। हाल ही में लॉन्च किया गया मिशन लाइफ में से किससे संबंधित है, तो यह पर्यावरण में सुधार से संबंधित है। शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की मध्य प्रदेश के करंट अफेयर के साथ। ग्रीन सिटी इंडेक्स रैंकिंग में मध्य प्रदेश के कितने नगर निगमों में लागू किया गया है। ये जो ग्रीन सिटी इंडेक्स है, इसकी जो रैंकिंग शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश के कितने नगर निगमों में चालू शुरू की गई है, ये 9, 16, 11, 5, तो इसका राइट आंसर होगा 16। इसका इनोग्रेशन अभी गोवर्धन पूजा जब हमारे यहाँ होती है पूरे भारतवर्ष में दिवाली के बाद, उस दिन इसकी शुरुआत सरकार ने कहा है कि ये घोषणा की है, इसकी शुरुआत तो अभी नहीं हुई है, घोषणा की है। इसकी डिटेल यहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां पर हरित सूचकांक यानी ग्रीन सिटी इंडेक्स जारी किया जाएगा। इसके पहले यदि आप बात करोगे तो ब्रिटेन वगैरह में जो यूरोप की कंट्रीज है वहां पे ये इंडेक्स पहले से ही जारी किए जाते रहे हैं, वहां पे हर वर्ष जारी किए जाते हैं। इससे क्या होता है कि जैसे अभी स्वच्छता पे बात करी गई, ठीक है, स्वच्छता पे मध्य प्रदेश ही नहीं भारतवर्ष में इंदौर पहले नंबर पे आया, तो वहां की जो जनता है उसके अंदर एक जागरूकता आती है। तो एक तरह से जब इंडेक्स जारी किए जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक लक्ष्य निर्धारित होते हैं, तो आस पड़ोस के जो शहर होते हैं उनमें भी एक सुधार होता है, वो भी प्रेरित होते हैं। इसका फॉर्मेट क्या रहेगा, जो इसे GCI कहा जाएगा, ये 100 अंकों का होगा। इसमें सभी के सभी जो अपने यहाँ का जो एप्को डिपार्टमेंट है, पर्यावरण समन्वय संगठन एप्को, और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ये सभी मिल करके इसका पूरा एक सत्यापन करेंगे। सभी में अलग अलग टास्क दिए जाएंगे, 5 मापदंड होंगे जिनके आधार पे ये इंडेक्स तैयार किया जाएगा। पहला होगा आपका, इसमें एक तो सिटी पार्कों की संख्या देखी जाएगी क्षेत्रफल पे, ये 30 नगरी निकायों इसके जो नंबर मिलेंगे वो 30 मार्क मिलेंगे। अर्बन फॉरेस्ट देखा जाएगा, ये देखा जाएगा किसके द्वारा, ये वन विभाग के द्वारा देखा जाएगा, इसके 10 मार्क मिलेंगे। फिर AQI देखा जाएगा, वायु की गुणवत्ता कैसी है वहां पे, उसके 30 मार्क मिलेंगे, ये प्रदूषण बोर्ड देखेगा। और फिर नवीकरणीय ऊर्जा का वहां पर कितना प्रयोग हो रहा है उस नगरी निकाय में, उसके 10 नंबर मिलेंगे, ऊर्जा विकास निगम देखेगा। ट्रांसपोर्टेशन कैसा है उस शहर का, उसके 20 मार्क मिलेंगे, RTO देखा जाएगा। तो ये सारे नंबर आप जब जोड़ोगे तो ये 100 हो जाते हैं। इसके आधार पर तय किया जाएगा कि किस शहर का क्या इंडेक्स है, ठीक है, 100 में से किसकी क्या स्थिति है। तो ये अभी ये शुरुआत में मध्य प्रदेश के जितने नगर निगम है, 16 नगर निगम, सभी में ये लागू किया जाएगा। और इसमें थोड़ा डिटेल आप देख लेंगे, इसमें जो बेस ईयर आपसे पूछा जा सकता है कि अभी केवल ये नगर निगम में लागू किया जा रहा है, ना कि ये नगर पालिकाओं में किया जा रहा है, नगर पालिकाओं में अगली बार से चालू किया जाएगा। बेस ईयर जो सरकार ने रखा है कि यानी वो किस ईयर से, क्योंकि दो वर्षों के बीच में सरकार को क्या करनी होगी, तुलना करनी होगी कि उस समय पे ऐसा था, यहाँ की सारी चीजें इतनी इतनी थी, नंबर मिले थे, तो इस वर्ष कितने मिले हैं। तो दो वर्षों का जब तुलना की जाएगी तभी तो डिसाइड किया जाएगा किसमें कितने नंबर है। तो ये दो
इनका पहले बेस ईयर जो रखा जाएगा वो 31 मार्च 2022 की स्थिति में तय किया जाएगा। अब इसकी जो शुरुआत होगी वो 31 मार्च किससे होगी, 2023 की स्थिति के अप्रैल महीने में इसको जारी किया जाएगा। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा सरकार क्या करेगी, जो ये विभाग है सभी ये यहाँ पे सर्वे करेंगे, सर्वे करने के बाद रैंकिंग देंगे, नंबर देंगे, नंबर के आधार पर रैंकिंग तय होगी। ये सभी विभाग जो है, चाहे नगरीय निकाय विभाग हो, आपका वन प्रदूषण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ऊर्जा विभाग है, परिवहन विभाग है, ये सब मिलकर के ये रिपोर्ट तैयार करेंगे। और ये एक अच्छी पहल है सरकार के द्वारा। आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न क्रमांक दो, वर्ष 2022 में मध्य प्रदेश से पहले मिस्टर इंडिया कौन बने, किन्हें अभी हाल ही में प्रथम मिस्टर इंडिया बनाया गया है, हर्ष प्रताप सिंह, लोकेश अग्रवाल, अभिषेक सिंह या विनीत शर्मा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा विनीत शर्मा। विनीत शर्मा जो है मध्य प्रदेश के पहले मिस्टर इंडिया, मतलब रूबरू मिस्टर इंडिया 2022 के विजेता हैं और ये मध्य प्रदेश से पहले व्यक्ति हैं जो मिस्टर इंडिया बने हैं। अब विनीत शर्मा क्या है, इसके जो इंडिया संगठन है इसका, ये रूबरू मिस्टर इंडिया अपने आप में एक संगठन है, ये बहुत सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराता है, इसका अपना एक रिकॉर्ड भी है। इन्होंने विश्व में क्या है, अधिकतम संख्या में इंटरनेशनल मॉडलिंग जो कॉम्पिटिशन होती है, चैंपियनशिप होती है, उसका इन्होंने बहुत सारे ऑर्गेनाइज करते हैं, उसका इन्हें एक रिकॉर्ड बना रखा जो इनके नाम से है, ठीक है। इसके अलावा ये अंतरराष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता पुरस्कार वगैरह भी ये दिलवाते हैं। तो विनीत शर्मा है जो मिस्टर इंडिया अभी बने हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं तीन नंबर, मुबारक खत्री अपनी किस कला के लिए प्रसिद्ध है, यानी मुबारक खत्री का इनमें से किससे संबंध है, बाघ प्रिंट कला से, कास्ट शिल्प से, पेंटिंग से या मूर्तिकार से। तो इसका राइट आंसर होगा बाघ प्रिंट। डिटेल देख लेते हैं, दिल्ली में क्या है, अभी अंतरराष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार 2021 की घोषणा हुई है, जिसमें हमारे मध्य प्रदेश के बाघ प्रिंट कलाकार जो है, बाघ प्रिंट आपने देखा होगा कई बार आपके घरों पे, जो सिस्टर वगैरह हैं वो यदि दुपट्टे वगैरह ओढ़ती हैं तो उसमें आपको ये दिख जाएंगे प्रिंट, एक लकड़ी का हत्था होता है उसको प्रिंट करते हैं, या आपके यहाँ बेडशीट वगैरह होती है तो उसमें इस प्रकार की कला होती है। ये धीरे धीरे क्या हो गई है, खो रही है। उज्जैन के पास बाघ है, वहां पे एक जगह है, वहां पे ये भैरूगढ़ की बाघ प्रिंट भी काफी फेमस है। तो वहां पे इन्हें क्या किया गया, अभी सम्मानित किया गया है और इन्हें दिया गया है अवार्ड, मास्टर आर्टिसन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब इनको क्या है कि इन्होंने ये जो पुरस्कार जीता है, ये शिल्प ग्राम संगठन के द्वारा ये दिया जाता है और ये क्या है, विश्व शिल्प ग्राम परिषद की एक राष्ट्रीय इकाई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के जो ये मुबारक खत्री हैं, बहुत सारे पुरस्कार जीत चुके हैं और कई क्या कहते हैं, अन्य देशों में भी इन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया है। अब ये एक पारंपरिक कला है, इसको ये आगे बढ़ा रहे हैं अपनी एक यंग जनरेशन में, तो सरकार इसलिए भी क्या है, इन्हें सम्मानित कर रही है और इन्हें आगे बढ़ा रही है। बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं प्रश्न क्रमांक चार, मध्य प्रदेश भामाशाह पुरस्कार किस कार्य क्षेत्र में दिया जाता है, करदाताओं को दिया जाता है, शिक्षकों को दिया जाता है, किसानों को दिया जाता है या राजनेताओं को दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा इसका करदाताओं को दिया जाता है। डिटेल देख लेते हैं, अभी क्या है, सरकार इस पुरस्कार का आयोजन करने वाली है और ये जो प्रोग्राम होगा ये 3 नवंबर को किया जाएगा, जब मध्य प्रदेश अपना स्थापना दिवस मना रहा होगा। तो ये जो पुरस्कार दिए जाते हैं ये 5 श्रेणियों में इस बार प्रदान किए जाएंगे और ये इसका जो मेन पुरस्कार मिलता है ये जो करदाता होते हैं उन्हें दिया जाता है। ये कर किसी प्रकार का हो सकता है, वाणिज्य कर हो सकता है, केंद्रीय वित्त कर हो सकता है या प्रवेश कर हो सकता है। तो जिला स्तर पे जो सर्वाधिक राजस्व जमा करता है उन व्यवसायियों को ये पुरस्कार दिए जाते हैं और इसकी जो घोषणा की गई थी, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो वर्ष 2008 से हुई थी। इसमें 1,50,000-25,000 रुपए की नगद राशि दी जाती है और ये पुरस्कार जो शुरू किया गया था, वास्तविक रूप से ये शुरू किया गया था भामाशाह के नाम से, एक योजना भी चलती है आपने देखा होगा राजस्थान में, जो भामाशाह इनका संबंध है वो राजस्थान से है, राजस्थान में भामाशाह के नाम से कई योजनाएं चलती हैं, पुरस्कार भी वहां पे दिए जाते हैं। तो इन्होंने क्या किया था कि जब 1576 में हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था और उस समय पे महाराणा प्रताप के पास कोई वित्तीय स्रोत नहीं था, उनके पास इनकम ऑफ सोर्स नहीं था, तो इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने अपनी जो भी संपत्ति थी सब कुछ क्या किया था, महाराणा प्रताप को सौंप दिया था बिना किसी लालच के या बिना किसी उसके, उन्होंने इनको सौंप दिया था। जिस वजह से क्या, उस समय पे जो उसकी कीमत थी जब इन्होंने ये सौंपा था तो 20 लाख असरफियां सोने रत्नों का संग्रह था और उस समय पे 1576 पे 20 लाख की बहुत बड़ी हैसियत थी। ये सब कुछ इन्होंने महाराणा प्रताप के लिए सौंप दिया था, इनकी याद में ये पुरस्कार शुरू किया गया है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न क्रमांक पांच, ये भी मध्य प्रदेश से संबंधित है, दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा के समय पे या उसी के साथ ही बरेली और मौनिया नृत्य किया जाता है।
आपको ये बताना मध्य प्रदेश के किस अंचल में इस नृत्य का आयोजन होता है, इसको मनाया जाता है, निमाड़ में, मालवा में, बघेलखंड में या बुंदेलखंड में। यह खबरों में बहुत बना रहा है, इसका सीधा प्रसारण भी हुआ है और ये नृत्य होता है, सॉरी इसका गलत आंसर दिया गया यहाँ पे, ये बुंदेलखंड में होता है, इसका राइट आंसर बुंदेलखंड होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। देख लेते हैं इसमें क्या होता है, इसको नाम भी इसीलिए दिया जाता है, इसके पीछे एक कहानी है। आप क्यों मौनी नृत्य भी बोला जाता है, इसमें मौन रहते हैं 12 गांवों की ये लोग लगभग यात्रा करते हैं यही नृत्य करते हुए। ये नृत्य जो है बुंदेलखंड के ग्रामीण इलाकों में मनाया जाता है और इसमें क्या, इसके पीछे एक कहानी है कि जो भगवान कृष्ण थे उनकी एक बार गाय जो थी वो सब इधर उधर चली गई थी, तो उन्होंने क्या किया था, जब उनकी गाय उन्हें नहीं मिली तो उन्होंने मौन धारण कर लिया, वो उस समय तक बोले ही नहीं। तो जो उनके मित्र थे, दोस्त थे, गोपाल ग्वाल थे, उन्होंने सबने कारण पूछा, जब उन्होंने कुछ नहीं बोला तो वो आस पड़ोस में ढूंढने चले गए गायों को और फिर उन्हें खोज करके लाए। तो उसी के उपलक्ष में क्या ये मौन नृत्य, मौन व्रत का भी रखा जाता है और इसको शुरू किया गया है। बात करें तो ये बुंदेलखंड की प्राचीन नृत्य शैली है और इसमें क्या है, ये जो मोर के पंख होते हैं ये सब बाल कृष्ण के रूप में होते हैं, सभी लोग कृष्ण का अवतार धारण करते हैं और नृत्य करते हैं पीछे मोर के पंख लगा करके, और ये सेहरा वगैरह बांध करके, ये दीपावली के में जब हमारे यहाँ परवा पड़ीवा होता है उस समय पे ये करते हैं, क्योंकि बीच में भी ग्रहण पड़ गया था तो इस वजह से एक दिन का गैप हो गया था, और गोवर्धन के समय में भी किया जाता है। तो मोर पंख लगा करके इसमें नृत्य किया जाता है और ये बुंदेलखंड अंचल में होता है, इसे कई जगह मौनिया नृत्य भी कहा जाता है और इसमें मौन व्रत रखने वाले को मौनी बाबा कहा जाता है। दीपावली के समय में इसका आयोजन होता है, ये आप ध्यान रखेंगे, आपसे परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। निम्न में से किसे वर्ष 2021 और 2022 के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा का पुरस्कार दिया गया है, किस संस्थान को दिया गया है, IIT गुवाहाटी को दिया गया है, IIT दिल्ली को दिया गया है, IIT कानपुर को दिया गया है या मद्रास को दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, IIT मद्रास को 2021 और 22 में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा का पुरस्कार दिया गया है। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जो है ये किसके विभाग के द्वारा दिया जाता है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना भी इसी विभाग के द्वारा की गई थी। इसके जो वर्तमान मंत्री हैं पीयूष गोयल हैं। ये क्या है, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जो होता है इसमें जो नवाचार होता है और कोई भी इकाई या संगठन या संस्थान कुछ नवाचार करता है, वो किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो सकता है, और वो लोग उसके लिए क्या करते हैं, ये पुरस्कार देते हैं। इसका पेंटेड कराया जाता है, फिर सरकार उसकी जांच करती है, इसके बाद ये पुरस्कार देती है। तो विभाग का नाम याद रखना है, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य के द्वारा दिया जाता है, मंत्री पीयूष गोयल है, इस वर्ष का IIT मद्रास को दिया गया है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। निम्न में से कौन हाल ही में चीन को पछाड़कर भारत की तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बना है, यानी भारत का सबसे ज्यादा निर्यात हुआ है, इसके पहले तीसरे नंबर पे चाइना था, उसकी जगह में कौन आया, नीदरलैंड आया, बांग्लादेश आया, संयुक्त अरब अमीरात आया या ब्राजील आया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा नीदरलैंड, जिसके साथ भारत का T20 मैच चल रहा है और शायद अभी तक भारत ने जीत भी लिया है। तो डिटेल देख लेते हैं, अभी क्या है कि पहले जो हमारे यहाँ क्रम था जिसमें हमारा भारत सबसे ज्यादा निर्यात करता था, तो उसमें इस क्रम जो था, सबसे पहले आता था अमेरिका, आता था USA, आता था इसके बाद आपका संयुक्त राज्य अमीरात आता था, इसके बाद तीसरे नंबर पे चाइना चलता था, भारत जिसको सबसे ज्यादा निर्यात करता था, लेकिन चाइना की जगह को रिप्लेस करके नीदरलैंड जो है भारत का सबसे तीसरा जो है बड़ा निर्यात गंतव्य बना है। ज्यादा डिटेल इसमें हम नहीं देखेंगे, इसने बांग्लादेश को पीछे कर दिया और चाइना को पीछे कर दिया है। नीदरलैंड की राजधानी की बात करी जाए तो एम्स्टर्डम है और जो द हेग है इनकी प्रशासनिक राजधानी है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 8। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश में दूसरे राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल यानी राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन किया है, ये कहाँ किया है, उज्जैन में किया है, द्वारका में किया, श्रृंगेरी में किया है या पुरी में किया है। तो इसका राइट आंसर होगा पुरी, इसका उद्घाटन पुरी में किया गया है। ये राष्ट्रीय वैदिक स्कूल है, अब सरकार उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा इसको चलाया जा रहा है। जो पहला वैदिक स्कूल खोला गया था, महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान खोला गया था, ये मध्य प्रदेश के उज्जैन में खोला गया था, दूसरा पुरी में खोला गया है। इस प्रकार के अलग अलग विद्यालय 4 जगहों पे खोले जाने हैं, बद्रीनाथ में, कर्नाटक के श्रृंगेरी में, गुजरात के द्वारका में और असम के गुवाहाटी में। आप ध्यान से देखेंगे तो इन सभी वैदिक संस्थानों का जो संबंध है आदिगुरु शंकराचार्य के साथ है। इसमें से एक आप यदि छोड़ दो उज्जैन को,
तो इसके अलावा ये सभी संस्थान आप देखेंगे तो किसके इनका जो उज्जैन में भी संबंध है शंकराचार्य का, क्योंकि वो महाकाल का जो स्थापना करने आए थे ज्योतिर्लिंग की, वो उज्जैन यात्रा पे आए थे, उनका यहाँ पे अघोरियों के साथ वेदांग भी हुआ था। तो ये इसका उद्देश्य क्या है सरकार का, सरकार का उद्देश्य है कि वेदों के ज्ञान को बढ़ावा देना, वेदों को ज्ञान में रिसर्च करना, उसको लोगों तक एक सामान्य भाषा में पहुंचाना, उसको सरलीकरण करना, ये सरकार का उद्देश्य है। इसी उद्देश्य के साथ ये चालू किए जा रहे हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9। सीसीआई का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राजेश्वरी लक्ष्मी को किया गया, अरविंद सिन्हा को किया गया, श्री जज शाह को किया गया है, या संगीता वर्मा को किया गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा संगीता वर्मा को किया गया है। डिटेल देख लेते हैं। ये जो सीसीआई है लगातार खबरों पे बना हुआ है। अभी हमने कल ही पढ़ा था कि गूगल के ऊपर इन्होंने लगभग 1,500 करोड़ का जुर्माना ठोका है। और ये क्या है संगीता वर्मा, इनको 25 अक्टूबर को सरकार के द्वारा प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया, या अभी कार्यवाहक अध्यक्ष का पद संभालेंगी, क्योंकि इसके पहले जो अशोक गुप्ता थे वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। और इनका जो कार्यकाल रहेगा वो 3 महीने का रहेगा। सीसीआई भारत में प्रमुख राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नियामक है। इसकी स्थापना 2003 में हुई थी, 2002 के कानून के अनुसार इसकी स्थापना की गई थी। जो विधिवत कार्य इसने शुरू किया था वो 2008 से शुरू किया था। आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10। नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? मिताली राज को बनाया गया है, वीरेंद्र सहवाग को बनाया गया है, युवराज सिंह को बनाया गया है, या सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा युवराज सिंह को बनाया गया है। ये जो क्रिकेट वर्ल्ड कप क्रिकेट है, इसकी जो शुरुआत हुई थी ये 2012 से हुई थी। और जो अगला T20 नेत्रहीनों के लिए होने वाला है, इसका आयोजन भारत में ही होगा और 5 से 17 दिसंबर 2022 के बीच में होगा। युवराज सिंह इसके ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे, जो कि इसको प्रमोट करेंगे। और इसमें भाग लेने वाली टीमें आपकी भारत, नेपाल, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान, श्रीलंका सभी रहेगी। पाकिस्तान की टीम भारत पे आएगी। आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कल हमने आपसे पूछा था कि निम्न में से कौन बेगम भोपाल की पहली महिला शासिका थी? बेगम सुल्तान शाहजहां, नवाब सिकंदर बेगम, या बेगम साजिदा सुल्तान, या कुदसिया बेगम? तो जो इसका राइट आंसर है वो है कुदसिया बेगम। यहां पर थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं, बाकी की डिटेल्स नीचे कमेंट बॉक्स में जो कल का करंट अफेयर है उसमें लगभग लोगों ने जानकारी दे दी है, उससे ज्यादा जानकारी की आवश्यकता हमें नहीं है। इनका जो कार्यकाल था वो 1819 से 1926 के बीच में रहा है। भोपाल में 4 बेगमों का शासन रहा है, कुदसिया बेगम का, सिकंदर बेगम का, शाहजहां बेगम का और सुल्तान जहां बेगम का। क्योंकि वो उस समय पे पुरुषों का शासन लगभग पूरे भारतवर्ष में रहा, उस समय पे एक रियासत में बेगमों का शासन होना एक अपने आप में बड़ी घटना हो जाती। इनकी जो शादी हुई थी वो नजर मोहम्मद खान के साथ हुई थी, उनकी बीच में हत्या कर दी गई, तो उन्होंने क्या हुआ कि फिर इसके बाद ये शासन संभाला। निर्माण कार्य में इनके द्वारा अब गौहर महल का निर्माण कराया गया, साथ में जामा मस्जिद का भी निर्माण कराया गया। बाकी की डिटेल्स आप नीचे कमेंट बॉक्स में कल के करंट अफेयर्स में जरूर देख लें, बहुत अच्छी जानकारी आपको वहां पर मिलेंगी, जो आपके काम की है, परीक्षाओं में पूछी भी जाती हैं। अब एक बार आप पढ़ लेंगे तो वो चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। करंट अफेयर खत्म करने से पहले आज का प्रश्न आप सभी के लिए, जिसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में देना है, और इससे जुड़ी हुई 4 से 5 जानकारियां जरूर दें और सभी लोग देने की कोशिश करें। आप सभी को यदि करंट अफेयर पसंद आता है तो इसको शेयर करना मत भूलें। कोई समस्या है या कुछ कमी है इस करंट अफेयर्स के साथ, आप लोगों के कुछ सुझाव है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में नीचे दे सकते हैं। आप लोगों का जो शेयर होता है और लाइक होता है वो हमें भी मोटिवेट करता है, उसकी भी हमें आवश्यकता होती है। आज का प्रश्न करंट अफेयर खत्म करने से पहले कि निम्न में से किन बेगम को इलाहाबाद में स्टार ऑफ इंडिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया था? बेगम सुल्तान शाहजहां को, नवाब सिकंदर बेगम को, बेगम साजिदा सुल्तान को, या कुदसिया बेगम को? इसका राइट आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, साथ में जुड़ी कुछ जानकारियां भी। इसका जो आंसर होगा वो आप सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में देख लेंगे, उसे लाइक कर दिया जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि आंसर राइट है। और जिनको हार्ट दे दिया जाएगा एग्जाम गुरुजी की तरफ से, उनका आंसर अच्छा रहेगा, और जो अच्छे आंसर होंगे उसको एक को पिन कर दिया जाएगा, आप समझ जाएंगे कि इस आंसर के साथ हमें बहुत सारी जानकारियां मिलने वाली हैं। फिर हमारी मुलाकात होती है अगले दिन के करंट अफेयर्स के साथ, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।